भागीदारी का या शासन और सत्ता में हिस्सेदारी का वह आज भी जो है हासिल कर रहा है। और सचमुच में कर्पूरी ठाकुर के बाद इन वर्गों को रहनुमाई करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया। सरकार की जातीय गणना सर्वे पर लगातार नेताओं के विरुद्ध स्वर उभर कर सामने आ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार जातीय गणना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जहां जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय सर्वे पर सवाल खड़ा किए हैं। वहीं अब राजद के एमएलसी रामबलि सिंह ने भी जातीय गणना सर्वे को पूरे तरह से धालमेल बताया है। रामबलि सिंह आज अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के सम्मेलन में बताया कि जो सरकार ने जातीय सर्वे किया है, जल्दी में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है और इसमें काफी कमियां हैं। सरकार को इस पर तत्काल संशोधन करना चाहिए। रामबलि सिंह ने यह भी कहा कि जातीय गणना पर 36% अति पिछड़ों की संख्या दिखाई गई है और अगर यह संख्या सही है तो फिर अति पिछड़ों के समाज से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। करते हैं यार, वैसे होता है। नीचे मुख्य राज्य किया 76 वर्ष हो गया, लेकिन अति पिछड़ों की जो समस्या थी राजनीतिक भागीदारी का या शासन और सत्ता में हिस्सेदारी का वह आज भी जो है हासिल कर रहा है। और सचमुच में कर्पूरी ठाकुर के बाद इन वर्गों को रहनुमाई करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया ईमानदारी से। इसीलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो हकमारी हुई थी आज से 8 साल पहले, उस हकमारी के खिलाफ और तेली कमोली दानी को अति पिछड़ा मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित जो अन्य 400 मांग है, उस मांगों के समर्थन में हम लोग वहाँ कर्पूरी ग्राम से, यानी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा का शुभारम्भ किया और वहाँ से पैदल चलते हुए आज हम लोग 7 अक्टूबर को पटना के मीना के मैदान में समापन किया। समापन के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ और सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आगाह किया कि आप जाग जाओ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और हमारे इसे कई योद्धा तैयार हो गए हैं। इसलिए आज अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है। आज भी सबसे बड़ा ग्रुप सोशल ग्रुप जो है वह है अति पिछड़ा, और आज भी न्याय की बात अगर हम करें तो सबसे अनरिप्रेजेंटेड सत्ता या शासन से अगर कोई वर्ग है तो वह है अति पिछड़ा। इसलिए अति पिछड़ा को सत्ता और शासन। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।